हेलो एंड वेलकम, आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। मैं हूं आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। कुछ दिन पहले बेंगलुरु के मशहूर और मारूफ समद हाउस में जनता दल सेक्युलर का एक बड़ा ही शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हुआ था, माइनॉरिटीज़ के प्रोग्राम को लेकर, जिसमें इंडिया के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा, कर्नाटका के दो बार CM रह चुके HD कुमारस्वामी, इनकी क़यादत में और 2018 से शिवाजीनगर में जिन्होंने JDS से कंटेस्ट किया था, अलहज मस्तान साहब, और जो बड़े सामाजिक कारकुन भी रह चुके हैं, इनकी क़यादत में कई सारे मुस्लिम लोग यहाँ पे JDS में शामिल हो गए, जो कांग्रेस के काफ़ी सारी पार्टियों से आकर उन्होंने ज्वाइन हुए। आज हमारे साथ खुद इस मामले में बात करने के लिए अलहाज मस्तान साहब हैं। इस बार हम इनसे बात करते हैं इस बारे में। मस्तान साहब, वेलकम टू बेंगलुरु अखबार। पहली बार आपसे हम बात कर रहे हैं। अब जो चुनाव का माहौल आने वाला है 2023 में, इसलिए क्या आपने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था JDS का? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। जैसा कि ये JDS में देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब, जो JDS पार्टी है, मुझे भी मालूम नहीं था कि 40 भाई को बच्चों को टिकट, ये देखो ही क्या मेडिकल का 1 करोड़ रुपए नई सीट नहीं मिलती है। ऐसे कई काम अंकर को ही, चामराजपेट का ईदगाह भी हल करे देवेगौड़ा साहब, जयनगर का ईदगाह भी करे देवेगौड़ा साहब, इसका उबली का भी मसला हल करे, ऐसे कई सारे चीज़ अंकर को ही। चंद लीडर हमारे मुसलमान लीडर थे JDS के अंदर, अच्छा नाम कमाए, अच्छा शोहरत कमाए, अच्छा पैसा कमाए, अच्छी इज्जत कमाए, लास्ट में देवेगौड़ा साहब, कुमारस्वामी साहब को छोड़ को कांग्रेस को चले गए। कांग्रेस को जाते सतीज ये कौम जो भी उलमाया ही, जो भी उन लोगों को पकड़ती इन, ये जो लीडर कांग्रेस को गए तो कांग्रेस अच्छी कर को बोल को एक जहन बना डाले थे। मैं उलमाया को, आलिमा को समझाया, देखो भाई हमारे चीज़ा आप लोग बड़े ही, आप मुफ्तियाँ ही, मौली साहबा ही, हर चीज़ है। तुम्हारी मस्जिद में जब चप्पल देखने वाले को 5,000 रुपये दरमा, पेशमा मजान देने वाले को 3,000 रुपये दरमा, मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने वाले को 8-10,000 रुपये। आज का माहौल पहले एक 25-40 साल 35 साल पहले वो खर्चा होता था, आज ऐसा खर्चा है कोई कॉलेज में जाओ, कोई स्कूल में जाओ 50,000 रुपये 60,000 रुपये फीस पूछती। तुम लोग खाली चंद लीडर के वास्ते करो न को, अपनी कौम के वास्ते काम करो। अपनी कौम जो पार्टी अच्छी है वो पार्टी को बोलो, JDS रंदे, कांग्रेस रंदे, कोई भी पार्टी रंदे, उसे साथ दियो। कर को बोलने में नहीं, इंशाल्लाह मस्तान भी आप जो बोल रही बराबर, हमें इतने दिन कांग्रेस के साथ गए कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ, 50-60 साल से मैं कांग्रेस का फ़ायदा कैसा उठा रहे। जब इंदिरा गांधी थी वो हिसाब से चलने को जाता था कि कांग्रेस अच्छी करो। मैं कांग्रेस के लीडर से भी पूछा, कांग्रेस से भी पूछा, हज कमेटी को जगह कौन दिए कुमारस्वामी? हज कमेटी कौन बने सदानंद गौड़ा के परेड में बने? अब मुसलमानों को मैं मुफ्तियां से भी पूछना चाह रहा हूँ, हज कमेटी आप लोग पूछो, कांग्रेस के लीडर तुम्हें कांग्रेस को वोट डालो करी ना, हज कमेटी को कई कुछ जगह तुम्हें नहीं लेको दिए। हज कमेटी कर्नाटका के अंदर की नहीं बन को दिए, वो सब आप लोग भी पूछना, चुपके बोल को कांग्रेस को वोट डालो, कांग्रेस को वोट डालो करको पूरा फजीती हो गई है। मुसलमान का क्या है, मुसलमान होने में डर हो रहा है, ऐसा नफरत है कि पहुँचा था लेकर। इंशाल्लाह हमें जो समझ हो उसमें एक मीटिंग रखो, एक तय करको, एक काम करें। JDS पार्टी पर कांग्रेस पार्टी का हमेशा से इल्ज़ाम रहा है कि JDS पार्टी BJP की एक बी टीम है, सिर्फ अपॉर्चुनिटी मौके का फ़ायदा उठाती है, मुसलमानों को बोलती है हमें तुम्हारे सरपरस्ती कर को बोल को, जब उनसे वोट पूरे ले लेती है ले को BJP में दौड़ जाती है। उसके वास्ते कांग्रेस बोलते हैं मुसलमानों की रहनुमा अगर कर्नाटका में कोई है तो सिर्फ कांग्रेस है, सिद्धरामैया है, DK शिवकुमार है, हमारे मुस्लिम नेता हैं, इसलिए JDS BJP की बी टीम बोल के बोलती हैं। मैं बोलिया सिद्धरामैया रंदे, DK शिवकुमार रंदे, जब DJ हल्ली का मसला आया, श्रीनिवास मूर्ति का भांजा फसाद कराया,
फसाद वाले को बेल मिल गई, जो हमारे 700 नौजवानों को 25 25 30 30 के संदाल है, ये क्या इंसाफ क्या? वो लीडर पूछ सकते नहीं, हमारे कौम के लीडर खाली बी टीम कहीं को बोलते हैं, उनको दूसरा कौन सा भी मुद्दा नहीं है। पूरे इंडिया के अंदर कांग्रेस कितने जगह है देखो, क्या मैं परसों मीटिंग में भी बोला ना, कलकत्ता में जाओ रीजनल पार्टी है, तुम्हें आंध्रा में जाओ, तेलंगाना में जाओ, केरला में जाओ, हर जगह कांग्रेस एक दो जगह है, कांग्रेस बी टीम अब 13 आदमी किसके आदमी हो कांग्रेस के ना, जो 1.5 साल से हुकूमत चला ले गए थे कुमार स्वामी, जब उन्हें 13 आदमी जाकर गिरा, JDS बी टीम नहीं कांग्रेस बी टीम मुसलमानों को अब अक्ल लाखों है, तजुर्बा है, नौजवान इतने ही अभी जानने वाले ही, ये JDS में एक भी नुकसान नहीं है। इंशाल्लाह मैं हर एक मुसलमान को भी बोल रहा हूँ, JDS को आओ, अपने लोग लीडर बनो, 1000 से 2000 लीडर बनो। ये कांग्रेस में एक लीडर गया तो वो लीडर के पीछे 500 आदमियाँ रहती, 500 को लीडर नहीं बनाते, वर्कर बना को रखती, उसका काम वाला बना को रखती, कि वो 500 आदमियाँ सामने चल गए तो मेरी वैल्यू नहीं रहती। JDS के अंदर इंशाल्लाह मस्तान वैसा नहीं है, मस्तान पीछे रहेगा, कौम के लीडरों को आगे करेंगे, जो भी हिंदू रंदे, मुसलमान रंदे, क्रिश्चियन रंदे, ऐसी पार्टी JDS जैसी पार्टी नहीं मिलती। अब की नहीं, जो मैसूर के इसमें JDS में मुसलमान मेयर थी बन ले को, अब खुद परसों बीजेपी को सपोर्ट करके कांग्रेस वाले क्या करे, बीजेपी आ गई, खुद तनवीर सेठ बोले ना बीजेपी को कांग्रेस वाले सपोर्ट करे करको, खुद कांग्रेस के MLA तनवीर सेठ उन्होंने बोल रही। आपको लगता है कि जो कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर्स में जो नाइत्तेफाकी है, इत्तेहाद की कमी है, इसकी वजह से लोग JDS में ज़्यादा आएंगे, JDS को मजबूत करेंगे, क्योंकि आप पार्टी के मेन जनरल सेक्रेटरी भी हैं मेन बॉडी में, लोगों तक किस तरह से आप बात पहुंचाएंगे? ये इंशाल्लाह कांग्रेस के अंदर अब से नहीं है, जैसा जाफर शरीफ साहब थे, जब से ये सियासत चल रही है, जो सामने आगे बढ़गा पीछे आगे बढ़गा, वो फसीती होती चलती है। अब इंशाल्लाह कांग्रेस वाले लड़ लेते चलती, अब उनका होगा ख़त्म होगा, आलिमां को भी मालूम होगा, उलमायां को भी मालूम होगा, मुफ्तियों को भी मालूम होगा, कोई ऐसी मस्जिद कांग्रेस वाले बन को देखो ही क्या, अपने कौन से तो भी फंड से शंक्शन करें क्या, कोई इदारा शंक्शन करके देखो ही, कोई भी नहीं, खाली मुसलमानों को वोट डालो, हमें मुसलमानों के साथ ही, मुसलमानों के साथ। बाबरी मस्जिद का गलाटा हुआ, बाबरी मस्जिद का दरवाज़ा कौन खोले? खुद कांग्रेस वाले बोले ये बेनिफिट हम ना आना, राजीव गांधी खोल को पूजा कराया घर को उनके हाथों से। मैं तमाम उलमाया से आलिमा से इंशाल्लाह मैं पूछना चाह रहा हूँ, कई को आलिमा को भी मुफ्तियों को भी क्या पूछ रहा हूँ, जो कांग्रेस वाले बोले थे कि जे ये राजीव गांधी खोल को पूजा कराया, बेनिफिट हम ना आना करो, उतना बस नहीं हम ना। अब इंशाल्लाह वैसा नहीं होता, क्या वास्ते आलिमा मुफ्तियों को भी मालूम है, कांग्रेस वाले चुपके ढोंग नचा को वोटा लेती, अब हमें कौम के बीच में नहीं जाना, कौम अखलाक के बीच में भी है। और मैं ये भी बोला था कि इंशाल्लाह इलेक्शन में 2018 के इलेक्शन में तमाम आलिमा उलमाया को बोला था, अगर मस्जिदा में कांग्रेस को वोट डालो, बीजेपी को वोट डालो, JDS को डालोगे तो 5-5 साल सजा कैसा फिट करता हूँ। इंशाल्लाह आज एक मस्जिद में भी एक उलमा एक आलिम किसी का नाम नहीं ले रही, उनका शौक उन्होंने किसी तो भी वोट डाले। मसान भाई, कर्नाटका में 1.25 करोड़ की माइनॉरिटीज की आबादी है, आपको पता है, ठीक है। अब मुसलमानों का हाथ थामने के वास्ते कांग्रेस पार्टी है, JDS पार्टी है, SDPA पार्टी है, अब तो हैदराबाद से MIM भी कर्नाटक में आ गई, इतने सारे लोग मुसलमानों का हाथ पकड़ते हैं। मुसलमानों के कौन से मसाइल हैं जो JDS ज़्यादा समझ के है, कहाँ पे मुसलमानों की ज़रूरत ज़्यादा है, कौन से मसाइल आपके हिसाब से? देखो MIM पार्टी आ रही है, उनका भी हक है, पार्टी एक रजिस्टर होगी नेशनल पार्टी का तो वो कई जगह भी खड़ सकती। हमारे मुसलमानों को मालूम होना चाहिए कि एक नई पार्टी है, पार्टी इम्प्रूवमेंट होना है तो अभी 20-25 साल जाना, ऐसा नहीं कि मैं पार्टी ले लगा को खड़गा मुझे काउंसलर का इलेक्शन डालोगे तो वोटा बढ़ जाती। SDPA पार्टी है वो भी मुसलमानों की, हमना भी बड़ी खुशी हुई कि मुसलमान की पार्टी भी रेडी हो रही है, एक से दो पार्टियाँ रेडी हो रही। ये कई मुसलमानों के इसमें ये कर्नाटका में क्या है, हिंदू मुसलमान करके लड़ाता नहीं,
वो जगह को मुसलमान आपको रोक रहा हूँ, SDPA और MIM दोनों जो पार्टी है वो सिर्फ मुसलमानों की, दोनों पार्टी मुसलमानों की और दलितों की, बैकवर्ड क्लासेस की, सबकी पार्टी है। नहीं, ये सबकी पार्टी है इंशाल्लाह, मगर कर्नाटका में ये JDS पार्टी कुछ इंशाल्लाह है बार वोट देती। क्या वास्ते वोट बटने नहीं देते। काउंसलर केस में भी जो SDPA रंदे, जो MIM रंदे, सब भी रंदे, अब एक 10-15 साल 20 साल के बाद इम्प्रूवमेंट होती। जब तक इंशाल्लाह तमाम मुसलमानों से, मैं माइनॉरिटी से बोल रहा हूँ कि ये बार JDS को, काउंसलर को भी, JDS को हमें मेहनत पड़ती, हर जगह हमारे काउंसलर आ सका इंशाल्लाह। और 2020 पर 3 में इंशाल्लाह हमारी तो पक्की हुकूमत ऐसा का कर दी। की कहते देवगा कुमार स्वामी साहब सलामन्ना माफ़ करे, जो व्यापार के बिना ये शादी भागा कर को 1,00,000 रुपए मुसलमानों को गरीबों के वास्ते, मैं आलिमा उलमाया से भी बोल रहा हूँ 1,00,000 रुपए। तो पहले सिद्धरामैया शादी भाग्य लेकर, शादी भाग्य का 1,00,000 रुपए कुमाराना करे कुमार स्वामी, सिद्धरामैया हिंदुओं को कई को 1,00,000 रुपए मुसलमानों को देना, हिंदू को 50 मुसलमान को 50 करके डिबेट करे, ये हमारे मुफ्तियाँ आलिमा को मालूम नहीं होता। हाल ही हमारे लीडर हम बोले तो चलो भाई कांग्रेस को डालो हजरत जाइए, चलो मैं कौम का लीडर हाँ, कौम के प्रॉपर्टियाँ, वक्फ के प्रॉपर्टियाँ, जैसा कि मैं स्पीच में भी बोल को हूँ, मेरा कई मुद्दा मैं इलेक्शन से खड़ा ना, वक्फ के इतने प्रॉपर्टियाँ, मदीना मस्जिद के इतने प्रॉपर्टियाँ ही, जो बम्बू बाजार के प्रॉपर्टियाँ ही, जब कहीं कहीं जगह भी जाओ तुम्हें इतने प्रॉपर्टियाँ ही, कोई लीडर आको वफ के प्रॉपर्टियाँ के हिसाब को नहीं डाल रहा है, कोई लीडर आको जो भी कमेटी में जो भी इदारे ही उन लोगों को क्या भी नहीं बोल रही। इंशाल्लाह हमारी जब हुकूमत आ जाएंगी 2020 पर 3 में, हमारा पहला मुद्दा जो वफ के प्रॉपर्टियाँ ही काम का ही, वफ के प्रॉपर्टियाँ जो इदारे के हर चीज़ के भी, पहले हमारी कौम को साथ देखो, इसके बाद इंशाल्लाह हमारे कौम के प्रॉपर्टियाँ बचेंगे। जब मैं एक माइनॉरिटी का टैक्टर जैसा वो आ रही, JDS के पास बेस स्ट्रांग है, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले चुनाव में MIM JDS मिलकर चुनाव लड़ेगी? इंशाल्लाह वो भी देखो कुमार स्वामी देवगौड़ा साहब भी, अभी इलेक्शन आने वाला इलेक्शन है, हर रीजनल पार्टी से बात को, छोटे मोटे पार्टियां से बैठ को बात कर को, इंशाल्लाह पूरे पार्टियां से एक खो को, क्या तभी एक इलेक्शन की कहते तो माइनॉरिटी का वोट डिवाइड नहीं होना। जैसा कि BJP देखो 1,000 आदमी लड़ते रहती, मगर BJP एक खो को जीता रही, कुबरा 7% ही, उन्होंने को 25 MLA ही, हमें 12% ही मुसलमाना, हमारे में 10-12 MLA नहीं, क्या वास्ते कोई नई पार्टी आई तो उसे वोट, उसे 5,000 वोट, उसे 2,000 वोट, उसे 1,000 वोट, अल्लाह के वास्ते हर एक पार्टी, छोटे मोटे पार्टियों का भी हक है, मैं नहीं कर को नहीं बोल रहा हूँ, आने वाले दिनों का टाइम है वो, कब अब 15-20 साल जाना बोलिया ना, मैं इंशाल्लाह हर छोटे मोटे पार्टियों को लेकर भी इंशाल्लाह बात कर को, ये इससे बात करको मुसलमान का वोट डिवाइड नहीं हो सका, ये खोको इंशाल्लाह कुमार स्वामी को। आखिरी 2 सवाल आपसे, आप लोगों पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम, जब भी इलेक्शन आता है लोग बीफार्म लेती हैं, बांटती, जब इलेक्शन 2-3 दिन रहता है स्विच ऑफ हो जाता है, JDS का कैंडिडेट वैसे ऑफ हो जाता है, एक दूसरे के पास एक मिल जाता है, तो भरोसा कैसा करना? नहीं इंशाल्लाह मैं कुमार स्वामी को वोच बोलिया, मैं जो हमें बीफार्म देती कांग्रेस के लीडर हम भेजती कि JDS का लीडर JDS का फॉर्म लेको तू बैठ जा, मैं इतने पैसे दे तू मेरे को, वो बहुत दिनों से बहुत साल से चलने को है, अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होता। क्या वास्ते मैं कुमार स्वामी को, देवगौड़ा साहब, आर प्रकाश साहब को, सबको भी बोल को हूँ, मैं सिटी प्रेसिडेंट को भी बोलूँ, जो आदमी वर्क कर रहा है, जो आदमी मेहनत कर रहा है, हमें उसे बीफॉर्म देखो जीता ले खाती, अगर कांग्रेस वाले बीफॉर्म ले लो को बैठ जाओ को बोले तो वो जगह हमें बीफॉर्म नहीं देते भाई, चांस हमारा कैंडिडेट नहीं खड़ा तो भी परवाह नहीं, ये साल नेक्स्ट 5 साल के बाद होना तो भी हमें खड़ा देने की कैपेसिटी है, वैसे झूठे लीडरों को, वैसे आपको बिकने वाले को बीफॉर्म नहीं देते इंशाल्लाह। क्या JDS, आखिरी सवाल, क्या JDS, गौर से सुनिए, क्या JDS अगले 2023 के चुनाव में जहाँ पे वो कलीगा का बेस है, जहाँ पे JDS स्ट्रांग है, मुसलमान को बीफार्म देती है खंडने के वास्ते? नहीं देखो खाली सिर्फ मुसलमान के एरिया में ही देती है? नहीं नहीं इंशाल्लाह कुमार स्वामी क्या बोल रही, 25-30 MLA मुसलमान तुम्हें बना सकती, ये जो उकली का रंदे, जो हिंदू की जगह मुसलमान रंदे, आपस में भाईचारा बनाना चाह रही हमें, हिंदू भी रंदे मुसलमान भी रंदे, हर एक भाईचारा बना को हिंदू की जगह भी मुसलमान को टिकट देने की कोशिश कर रही है, अल्लाह के फजल से हमारी पार्टी में वैसा कैबिनेट, यह
कांग्रेस के लीडर जो ही मुसलमान के उन्हें हवा पहुंचा रही, क्या वास्ते, अरे भाई बीजेपी है, जेडीएस ऐसा कर रही है, जेडीएस वैसा कर रही है, वैसा कोई कोई बातचीत भी नहीं है वैसा, ये हवा के बाता नहीं। 2020 पर तीन का इलेक्शन इंशाल्लाह पूरे सीटा से मारने की कोशिश कर रही है हमें। कहीं भी जाओ, मंडिया में जाओ, रो रही है देव कुमार स्वामी के पामा पकड़ को रो रही। अब तो ऑटो ड्राइवर को 10,000 दालोक है, टैक्सी ड्राइवर को 10,000 दालोक है, कुमार स्वामी क्या करे, 5,000-3,000 रुपए डालती है। जो बिजनेस करने रसल मार्केट करने, तरकारी का बिजनेस, फुटपाथ का बिजनेस, हमें कॉन्ट्रा मैनेज है क्या, सुबह को लेना शाम को पैसे दे दे, गरीब आदमी, ऐसा देवगौड़ा साहब कुमार स्वामी साहब का ऐसा इरादा है। ये कांग्रेस वाले वो भी तोड़ डाले, नहीं देना वैसा पैसा, पब्लिक का खा जाती। अब तो IMA के कितने की पैसे कलेक्शन हो, कोई कांग्रेस वाले की विधानसभा में नहीं उठा रही। मुस्लिम लीडर कौन है JDS का, बोलो विधानसभा के अंदर। जब कंपनियां बर्बाद हुए, कहां गए थे हमारे लीडर, मालूम नहीं, बिटकॉइन का धंधा करको मालूम ना, कहां रिबिन काटती उनको पैसे, इलेक्शन को दे डालती, उन्हों खामोश बढ़िया थी। मैं आवाम से पहले भी बोल को हूँ, तुम्हारे पैसे तुम्हारे वोटान जीत को उन्हों घर मनाती, मैं पहले भी बोल को हूँ ऐसा इंशाल्लाह। अब वैसा सब नहीं होता, JDS में एक बदलाव आ रहा है, एक अच्छे नौजवान की टीम भी रेडी होको है, आलिमा की भी टीम रेडी होको है, मुफ्तियां की भी टीम रेडी होको है, अल्लाह के फजल से हर जगह। अंग्रेज शरीरत को भी बोलूं क्या बात है, मैं शबरी रिक्शा वाले को भी बोल गूँ, एक मट रहा तो मटकू स्वामी जी बोले तो वहाँ CM जाती। हमारे लीडर क्या करी, अरब भी कॉलेज में बैठ को शरिया ये अमीरे शरीयत बैठ को बुलाना CM को, उनको बुलाने की कैपेसिटी नहीं करी, क्या वास्ते, हमारे लीडर बुला ले चल जाती। अब वैसा नहीं होता, उनसे भी बात करती हमें, अमीरे शरीयत से भी बात करती, हजरत तुम्हारा मकाम कहाँ की है, तुम्हें लोग यहाँ बैठो, तुम ना पब्लिक साथ देती है, कौम साथ देती है, तुम्हारा मकाम कहाँ की है, कोई लीडर बुलाया तो कोई लीडर के पास जानो को, तुम्हें खुद फोन करके CM को बुलाना। अरबी कॉलेज में 50 एकड़ जमीन है, चेरा टेबला डालो, कौम को बिठाओ, ऐसे ऐसे सभी चीज़ा मसले इंगर को बुलाओ, CM आता है। आने वाले चुनाव में जितने भी सीट JDS जीते, 0 से लेके 223 तक, क्या कुमार स्वामी या देवेगौड़ा कोई पॉलिटिकल स्टेट से माइनॉरिटीज को ये वादा कर सकती है कि किसी भी हाल में BJP के साथ हमें नहीं जाते? इंशाल्लाह बोले ना, कहीं भी रहते हमें 80 सीट तो भी आंदे, 120 सीट आंदे, 130 आंदे, अगर अलायंस हुआ तो भी हमें BJP के साथ नहीं जाते। ये थे JDS पार्टी के जनरल सेक्रेटरी अल्हाज मस्तान साहब, जो शिवाजनगर से MLA कैंडिडेट में कंटेस्ट कर चुके हैं। अब ये नए दौर की JDS रिफर्बिश पार्टी है, जो नौजवानों तक, औरतों तक, सब तक ये जाने वाली है, उलमा इकराम तक अब ये पहुँच गए हैं। ये समझा रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ भरोसा देती है, करती कुछ भी नहीं है, असल में जो काम हुआ है, हचकेम का काम हो, हुबली का ईदगाह का मैदान हो, यहाँ का हो, ये JDS ने ही किया है, ये मस्तान भाई का कहना है। इसके साथ में SDPA पार्टी है, नई MIM भी आ रही है, इनका कहना है कि अगर देवेगौड़ा जी हाँ कहेंगे तो MIM और JDS मिलकर इत्तेहाद के साथ भी कर्नाटक में लड़ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात मस्तान साहब ये कह रहे हैं कि किसी भी हाल में JDS कितने भी सीट जीते, 1 से लेकर 223 तक, लेकिन BJP के साथ हाथ नहीं मिलाएगी, ये सबसे बड़ा स्टेटमेंट है, तो वक्त ही बताएगा। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए बेंगलुरु अखबार के साथ। मैं हूँ आपके साथ अशफाक अहमद सिद्दीकी। जय हिंद।